बिल्कुल बात है। शुक्रिया सर। सर मैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दा चकना चाहती है पंजाब के शेलर मिलर्स के किसान बारे, जिथे नवा पैडी सीजन 2-3 महीनों से शुरू हो जूगा तो नवे नवा झोना गोडाउना च पहुँच जूगा, लेकिन 2023-24 की जिहड़ी पैडी सीगी वो अजे भी गोडाउन ताईं नहीं पहुँच सकी है क्योंकि FCI ने गोडाउन खाली नहीं कराए ने, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेक्स भेज के वो FCI के गोडाउन खाली नहीं कराए, जिदे करके राइस मिलना नू जेड़े तकरीबन 5-6 हज़ार पंजाब चे हैगे, पंजाब दी किसान किसानी दी ते इंडस्ट्री दी बैकबोन है, ये बहुत वड्डे संकट विच ने ते बहुत वड्डा इन्हां नू आर्थिक नुकसान हो रहा, कई तो बैंकरप्ट होके बंद भी हो जाएंगे, क्योंकि निकम्मी स्टेट दी सरकार ने उन्हां दी पॉलिसीज करके इन्हां ने पहले शॉर्ट टर्म वरायटी झोने की लाती, जे शॉर्ट टर्म वरायटी माने कोई भी माने सदस्य आप बहुत तीखा बोलती है, कोई भी दल की सरकार हो निकम्मा शब्द उचित नहीं है। ठीक है सर, मैं निकम्मा शब्द वापस लेती हूँ। सरकार की अनगहलिया करके किसान और राइस मिलर्स का नुकसान हो रहा है सर, जो पॉलिसी सरकार को बना के मिलिंग नवंबर में शुरू होनी चाहिए थी, इनकी अनगहलिया करके सरकार की वो मिड जनवरी में हुई है, जिस करके मार्च तक पूरी मिलिंग कंप्लीट नहीं हो सकी, और अब जो लास्ट डेट 31 जुलाई का है, मैं सरकार को बेनती करती हूँ, क्योंकि पिछला स्टॉक अजय क्लियर नहीं होया, FCI को गोडाउन से जगह नहीं हैगी, जिदे करके किसान जड़े जड़े शेलर वाले हैगे उन्होंने दूर दुराबे गोडाउन से ले जाना चाहता है, तो ये जड़ी नवी वरायटी हैगी 67 kg पर क्विंटल उन्होंने पैडी देनी होंगी है, लेकिन नवी वरायटी सिर्फ 62 या 64 kg देती है, तो बाकी राइस मिलर नू अपने जेब तो भरना पैंदा है, जिदे नाल उन्होंने बहुत वड्डा नुकसान होंदा है। सो मैं थानू बेनती कर दिया कि ये सरकारां दी अनगहलिया करके केंद्र ने रेक्स भी भेजे, FCI दे गोडाउन खाली नहीं होए ने, राइस मिलर क्योंकि पंजाब सरकार ने अपना काम नहीं किया। एडवोकेट सर, दो मिनट सर, सो राइस मिलर का भी नुकसान हो रहा है सर, आढ़तियां दी कमीशन जिहड़ी 2.5% बादल साहब ने दित्ती सी, एडवोकेट दीन दित्ता हैगा।